लिखा हुआ है। यहाँ के पत्थरों का साइज आप देख सकते हैं, पानी की बॉटल, हमें कई सारे कुरकुरे के चिप्स पड़े हैं, पेड़ के जो छिलके हैं उसको छीला गया है। माता का मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है और लाइट का जरूरी है और पानी का व्यवस्था सबसे ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी हम लोग जा रहे हैं द्रुकोंदल ब्लॉक के अंतर्गत एक आता है माँ बंजारी माता मंदिर, जो कि द्रुकोंदल ब्लॉक के अंतर्गत आता है, और हम लोग वहीं जा रहे हैं फिलहाल के लिए। एक सुंदर सा नज़ारा आप लोग देख सकते हैं इधर, और काफ़ी बढ़िया नज़ारा आप लोगों को मिलेगा। ये एक डैम टाइप का है और इसमें पानी की गहराई बहुत ज़्यादा है। अब इधर भी अगर आप देखेंगे तो इधर भी आपको पानी मिलेगा। और यहाँ पास पिकनिक मनाने के लिए कुछ लड़कियाँ भी इधर जा रही थी और हमको बोल रही थी आ जाओ करके, लेकिन हम लोगों का डेस्टिनेशन है माता बंजारी माता वाला मंदिर आने का, तो इधर से गाड़ी आ रही है तो उसको भी हमको साइड देना पड़ेगा। फिलहाल के इधर आप देख सकते हैं बहुत सारी खूबसूरत वादियों के बीच में, तो चलिए आपको चल के दिखाते हैं सीधा माता बंजारी वाला मंदिर के पास। तो अभी मैं हूँ पल्लावारी वाले मार्ग में, यह पड़ता है द्रुकोंदल ब्लॉक के अंतर्गत, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 4.5 किलोमीटर के आसपास यहाँ से पड़ेगा द्रुकोंदल, और ये वाला मार्ग है और यहीं से जाता है द्रुकोंदल वाला मार्ग, और वहाँ जाके आपको दिखाएंगे पल्लेमारी का कुछ खूबसूरत से नज़ारे, और वहाँ पर एक माता जी विराजमान करते हैं माँ बंजारी माता, उसको भी दिखाएंगे। तो दरअसल ये जो मार्ग देख रहे हैं ये आता है द्रुकोंदल से, और यहाँ से जगह है वो पल्लेमारी जगह है, बहुत खूबसूरत सा जगह है, और ये पहाड़ी माता, वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है और ये प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। अगर आप इधर आएंगे तो उनका बोर्ड आपको नहीं मिलेगा, मैं बहुत लोगों से पूछा हूँ। फिलहाल के लिए ये यहाँ पर पहाड़ी माँ बंजारी वाला का मंदिर है, जो काफ़ी खूबसूरत है कहा जाता है। मैं बहुत दूर से आया हूँ, लगभग 4 किलोमीटर सैर करके, तो बहुत मज़ा आने वाला है। फिलहाल के लिए आप इधर आप देख सकते हैं छोटा सा मंदिर है, ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा खास है, कहा जाता है कि यहाँ पर कहानियाँ तो बहुत सुना हूँ, वीडियो खंगालने का बहुत प्रयास किया मैं यूट्यूब पर, लेकिन मेरे को 3 वीडियो ज़्यादा नहीं मिला, सोचा 1 वीडियो बना लिया जाए आप लोगों के साथ। फिलहाल के लिए आप इधर देख सकते हैं ये रास्ता है, जो कि इधर कहाँ जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये द्रुकोंदल से फिलहाल के लिए अब यहाँ चलते हैं, और आपको मैं एंट्री गेट जो उधर होता है वो मैं आपको। तो ये है पल्लेमारी का पहाड़ी, और आप देख सकते हैं इधर से आते हैं और इस पहाड़ी पर हमको जाना है। जाने के लिए आपको कोई सीढ़ी आपको नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए, साथ आगे हो सकता है, लेकिन आप इधर देख सकते हैं अभी फिलहाल के लिए सीढ़ी नहीं है, तो हमको पैदल जाना पड़ेगा, और लगता है वहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार का ये मंदिर है, और यहाँ पर बहुत आस्थाएँ हैं। कुछ इस प्रकार का मार्ग आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको कंकड़ और पत्थर का सामना करने के बाद आपको माता रानी का दर्शन करने को मिल सकता है। आप इधर आप देखेंगे तो इधर बहुत दूर तक गया है, और आप यहाँ के पत्थरों का साइज आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, और अभी भी वहाँ से शुरू होता है सीढ़ी, तो अभी तक सीढ़ी है वहाँ पर, और इसको ऊपर आने के लिए भी आपको इस कंकड़ भरे रास्ते का सामना करना पड़ेगा। इस अभी देख सकते हैं थक गए हैं और यहाँ पर आराम कर रहे हैं, मोटा मोटी हम लोग हैं 3 दोस्त, और ये देख सकते हैं पीछे में कुछ और भैया जो कि ऊपर चढ़ के आई हुई हैं। फिलहाल के लिए आप नीचे का मंजर देखिए, तो ये है और ये नीचे वीडियो कॉल करना सीढ़िया वीडियो कॉल कर दो, और ये ऊपर जाने का मार्ग है। आपको बता दूँ बहुत मज़ेदार रोमांचक पहाड़ी होने वाली है, काफ़ी मज़ा आएगा, चलिए चलते हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये है ऊपर का नज़ारा, आगे आप जाएंगे तो इधर भी है। फिलहाल के लिए मुझे लगता है अभी हमारा रास्ता आधा ही हुआ है, लेकिन हम अभी पानी पियेंगे। यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो पानी की बोतल्स हमेशा साथ में लें, और वो एक और पहाड़ है गजब, और पहाड़ के ऊपर में एक मेरे को नेटवर्क जैसे दिख रहा है, शायद आपको दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक शंकर भगवान का मूर्ति है, और अगर आप इधर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको मंदिर मिलेगा,
तो स्टेप बाय स्टेप है, जैसे एक ग्राफ देखते हैं उसी प्रकार से। तो इधर आप अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सीढ़ियाँ मेरे को नहीं दिखेंगी, शायद आगे पर सीढ़ियाँ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक हिल पॉइंट ये है और एक हिल पॉइंट वहाँ पर भी, यानी कि टॉप पॉइंट आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर है शंकर भगवान जी और हम लोग जा रहे हैं इधर। बहुत मुश्किल चढ़ाई, पहाड़ी की ये चढ़ाई है। अगर आप आ रहे हैं तो पानी की बॉटल्स हमेशा यहाँ पर आप लाइए। पानी की हज़ारों बॉटल्स मैंने देखी है इधर पड़ी हुई है। कई सारे कुरकुरे के चिप्स पड़े हैं, उन पर अगर आप ध्यान दिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अभी के लिए ये पहाड़ी बहुत रोमांचक किस्म है, बहुत मज़ेदार है। यहाँ पर कई सारे कुरकुरे और देखेंगे कई सारे बॉटल्स मिलेंगी, इन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इनकी स्वच्छता पर और इन पर सरकार को भी थोड़ी नज़र पड़नी चाहिए कि ये एक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। चलिए तो ये देख सकते हैं, अभी भी ये चढ़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इधर है नीचे और इधर आप जाएंगे तो इधर है इसको चढ़ाई। यहाँ पर तीन वायर में आप देख सकते हैं, तीन वायर्स हैं जिनमें मुझे लगता है एक करंट सप्लाई के लिए होगा। मैं देख रहा हूँ जब से उधर आ रहा हूँ तो पेड़ के जो छिलके हैं उसको छीला गया है, तो हो सकता है इसमें सीढ़ी बनाने का प्लान हो। आप देखेंगे तो हर एक जो पेड़ है उसके छिलके को छील लिया गया ताकि पेड़ सूख जाए। तो इसमें सरकार शायद सीढ़ियाँ बनाना चाहती है। इधर आप देखेंगे तो इसकी कंडीशन को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का रास्ता है ऊपर जाने का। तो अभी कई मिनटों के चढ़ाई के बाद अभी हम लोग आए हैं टॉप पॉइंट पर। आप देख सकते हैं इसका द्वार कुछ इस प्रकार से दिखता है, और ये माँ बंजारी माता वाला मंदिर जो कि पल्ला हमारी जगह पर स्थित है, और इसका प्रवेश द्वार जिसमें एक घंटी लटका हुआ है, और जिस इस घंटी से आप इसको घंटी बजाकर आप जा सकते हैं। मंदिर काफ़ी खूबसूरत है और खूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है। कई मिनटों की चढ़ाई के बाद हम लोग इस मंदिर तक पहुँचे हैं, और उस मंदिर तक पहुँचने के बाद हमको थकान सी मिट चुकी है फिलहाल के लिए। ये मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखता है, और ये मंदिर अभी फिलहाल के लिए बंद पड़ा है। बंद क्यों है इसका तो नहीं पता, लेकिन मंदिर अभी फिलहाल के लिए बंद है। माँ बंजारी माता वाला मंदिर जो कि मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में कवर किया है, और आप यहाँ पर इस मंदिर को देख सकते हैं। मैं पैरों में जूता पहना हूँ इसीलिए दूर से दिखा रहा हूँ। और इस मंदिर के अंदर में कुछ भगवान हो सकता है स्थापना, और ये इधर देख सकते हैं गाइस, चारों तरफ पहाड़ियाँ मिलेंगी और यहाँ से एक व्यू पॉइंट भी बनता है कि पूरे शहर को आप देख सकते हो, शहर नहीं बोल सकते, गांवों को देख सकते हो। नए साल 2024 की शुरुआत में हम अभी उपस्थित हैं पल्ले हमारी जगह पर, और मंदिर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, और आप देख सकते हो कुछ लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन के लिए आए हुए हैं, जिनमें से कुछ बच्चे भी शामिल हैं, और हम लोग आए हैं तीन लोग। यमो रानी वहाँ पर पार किए हैं, और बहुत कठिन चढ़ाई के बाद वहाँ पर पहुँचने का सौभाग्य मिला है हमको। मुझे लगा इस चीज़ को दिखाना चाहिए। बस्तर की खूबसूरत वादियों के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारी जो मालाएँ हैं उसको यहाँ पर लटकाए हुए हैं एक पहचान के रूप में।
ये जंगल काफ़ी खूबसूरत के साथ साथ बहुत ही रहस्यमय भी है। इस पेड़ में कई सारी मालाएं लटकी हुई है जिसमें जय माता रानी लिखा हुआ है। चलिए, बहुत चढ़ाई के बाद हम लोग आ चुके हैं अभी उस माता स्थल पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सवर्ण कुंड का स्थान है, और ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जय माता दी हालद्दी पल्ला माड़ी पहाड़ी वाली बंजारी माता। तो इस प्रकार का नजारा, और ये जो आप देख रहे हैं ये है बंजारी माता वाला मंदिर, इसका दर्शन करेंगे फिलहाल के लिए। अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर विराजमान है पहाड़ी बंजारी माता वाला मंदिर, जो कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का दिखता है, और ये नवरात्रि के सीजन में शायद खुलता है। फिलहाल के लिए मैं पीछे चला जाता हूँ एक और जगह जहाँ पर पूजा किया जाता है। जगह काफ़ी खूबसूरत है, खूबसूरत होने का कारण एक है ये जगह पहाड़ी पर स्थित है। तो ये है पहाड़ी बंजारी माता वाला मंदिर, जो कि हाहालद्दी गांव में स्थित है, और इस माता को आप देख सकते हैं, और इसके कुछ सेवक लगते हैं मेरे को जो कि आप देख ही रहे हैं। ये स्थान है हाहालद्दी नामक एक गांव में, और आप देख ही रहे हैं ये है इसको माता है, इसमें विराजमान है। इसकी कहानी बहुत पुरानी है, अगर आप देखेंगे इसकी कहानी को। तो हमने है दोस्तों यहाँ के साफ सफाई करने वाला, और पहाड़ी बंजारी माता वाला मंदिर की साफ सफाई करते हैं, और इनसे कुछ जानते हैं यहाँ की कुछ बातें। बताओ यहाँ की बातों में क्या मंदिर प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? माता का मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ भक्तों का आस्था जुड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, जो भी आते हैं इसका मन्नत पूरी होती है। हाँ। माता के दरबार में यही सच्चाई है इसकी। हम लोग तो इसके सेवक हैं, इतना जितने दूर से आते हैं काफ़ी दूर से पैदल चल के आते हैं। जी, मैं देखा यहाँ पर आने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी यहाँ पर आधी बनी हुई है, अभी बनने को है, मगर अभी समिति के लोग ध्यान देंगे तो बनेगा। अच्छा, समिति के लोग ध्यान देंगे बनेगा जी। सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए जी। सरकार को तो सोचना ही चाहिए सर, क्योंकि यहाँ आस्था का केंद्र है। तो यहाँ बहुत ही भक्ति जन आते हैं, डेली आते हैं, मतलब सोमवार गुरुवार के दिन ही नहीं है, बाकी रोज चढ़ते हैं यहाँ 50-25 जैसे भी चढ़ना है चढ़ते हैं। नवरात्रि में तो बहुत लाखों का भीड़ रहता है। तो अब ऊपर में लाइट वगैरह का सुविधा है क्या? लाइट नवरात्रि में चालू रहता है, अभी भी है, करंट कहीं कहीं छूटा होगा तो नहीं है, बाकी ना नवरात्र में पूरा रात 9 दिन तक ही जलता है लाइट। 9 दिन तक जलता है जी सर। विकास के लिए क्या? विकास के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि मंदिर के लिए सीढ़ी होना चाहिए, और लाइट का जरूरी है, और पानी का व्यवस्था सबसे ज़्यादा है, समस्या सबसे ज़्यादा है। इधर आप देख रहे होंगे यहाँ पर है कि रेपर हो गया, चिल्ली हो गई, फेंके पड़े जी। इसको क्या आप कहना चाहेंगे? मेरा तो यह गंदगी पड़ा रहता है, जितना हो सके मैं यहाँ माता के दरबार में आता हूँ, जितना मेरे से बन सकता है मैं सफाई करके चला जाता हूँ। लोगों को तो बोल नहीं सकता कि माता का मंदिर है उसको सफाई करो। जी जी जी, मैं अकेला साफ करता हूँ जी, बहुत मुश्किल होता है। और सप्ताह में मैं 2 रोज आता हूँ, सोमवार गुरुवार को माता का दीप जला के नीचे चला जाता हूँ, आरती पूजा करता हूँ, बस मैं माता का सेवक बस। अच्छा, इससे आगे माता का सेवक बोलते हैं, और इसके हाथों में देख सकते हैं झाड़ू है, और टेंट है जो कि चढ़ने में काफ़ी मदद आता है। अगर आप उधर से भाग कर आते हैं, हमने भैया जी जो मेरा दोस्त है उसको रोका भी, कंट्रोल नहीं होता है, तो जी जी चाहते हैं कि सीढ़ी का निर्माण। जी जी बिल्कुल, सीढ़ी का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं लोगों का आना जाना और ज़्यादा बढ़ सकता है। जी जी, पानी की व्यवस्था भी होने चाहिए, सरकार इसके ऊपर ध्यान दे तो काफ़ी ज़्यादा ये स्थान पवित्र और प्रसिद्ध हो सकता है। जी जी, तो चलिए भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया विकास होना चाहिए। तो बाय बाय भैया जी।